हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? गाइस, आज हम लोग बना रहे हैं छोले। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम अपने घर पे छोले। तो लेट्स गो, बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग। तो गाइस, सबसे पहले हमने ये अनियन काट ली है, ये है टोमेटो, और देखिए कुछ हमने वैसे खड़े मसाले टाइप के लिए हैं, ये इसको बोलते हैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, लौंग, और ये दालचीनी, और ये फूल टाइप के आते हैं अनारदाना जो बोलते हैं। तो दोनों कढ़ाइयाँ हमारी रेडी हैं। चलिए तो गाइस, हमने ये डाले थोड़े से जीरा, दोनों कढ़ाइयों में डाला जीरा, दूर से दिखा रही हूँ। ये डाला तेज पत्ता, इसमें भी तेज पत्ता, ये दादी, ये वाले दादी के लिए बन रहे हैं बिना प्याज के, और इसमें थोड़ी सी इलायची, और प्लस इसमें डाली हमने प्याज। भूल जाऊंगी वरना मैं दादी के में प्याज डाल दूंगी। और प्याज को सुनहरा होने तक भूनना। कुछ लोग पीस के बनाते हैं, उसमें टेस्ट इतना नहीं आता जितना हम लोग काट के बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारा टेस्ट आता है। और दादी के उसमें हमने डाला थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया सूखा, और प्लस चना, छोले मसाला, जो चना मसाला आता है वो, और डाले थोड़े से टमाटो और ग्रीन चिली, बस इतना ही इनके में। सुनहरा होने तक इसको भूनो। देखो अलग अलग ये है चलाने वाली, इसकी इसमें ना मिक्स हो जाए, इसकी इसमें ना मिक्स हो जाए। टमाटर को भी अच्छी तरह भूनो। तो गाइस, ये जा रहे हैं दादी के लिए बिना प्याज के छोले बनने। ये देखिए छोले डाल दिए हमने इसमें, और अब जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया जाएगा। और ये देखिए हमारे छोले बनकर तैयार होने वाले हैं, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने छोले के पास। ये देखिए थोड़ी सी हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, और गाइस ये वाला जो छोले मसाले मसाला आता है ना MDH का, चना मसाला, वो डालिए। और इसको थोड़ा भूनिए। और अब इसमें डालेंगे हम हमारे कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च, प्लस इसमें अदरक और ऐड होगा भी। तो गाइस, इसी बीच हम हमारे छोले तैयार हो रहे हैं, हम लोग कर लेते हैं भटूरे की तैयारी। ये है मैदा, और मैदे में हमको ये अजंता का बेकिंग पाउडर डालते हैं एक ढक्कन भर के, और थोड़ी सी चीनी और दही, सबको मिक्स करके। चलिए हम मैदा मार लेते हैं। और ये गया थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा दादी के में भी डाल दिया। और अब इसमें ऐड करते हैं हम लोग छोले, थोड़ा छोलों को मैश कर लीजिएगा ताकि थोड़ा थिक बेस आए इसका। तो छोले हमारे कुछ इस तरह से हो गए हैं गाइस, तो थोड़ा हल्के से पक जाए तब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो गाइस, इधर हमारी ये मैदा तैयार हो चुकी है भटूरे के लिए, और दादी के भी छोले हो चुके हैं। तो गाइस, अब हम लोग ऐड कर रहे हैं छोले वाला ही पानी। और अगर आपको लगे कि थोड़े कम है पानी, तो सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए, ये थोड़े पतले खाते हैं, तो मैं थोड़ा पतला ही बनाती हूँ छोला। इसमें ब्लैक और वाइट दोनों ही छोले हैं, जो डॉलर छोला करके बोलते हैं ना वो। ये देखिए गाइस, और इसमें अब डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। ये देखिए नमक डाल दिया है, अपने स्वाद के अनुसार ही डालना गाइस, क्योंकि कम के लिए जगह है, ज़्यादा की जगह नहीं होती है, ये कहावत है। तो
तो गाइस ये दादी के छोले बन चुके हैं, ये अब हमारे छोले बन चुके बनेंगे। और गाइस मेरे छोले भी तैयार हो चुके हैं, ये देखिए इसकी। तो गाइस फाइनली मेरे छोले बन चुके हैं। भटूरे का ब्लॉग मैं बाद में शूट करूंगी। तो गाइस आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।